नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा लारा। वेलकम बैक, नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह नए मेहमानों के साथ। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना कोई ना कोई टैलेंट आता है और जब न्यू टैलेंट मेरे पास आता है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में, हमारे सिंध में बहुत प्यारा प्यारा टैलेंट मौजूद है। लेकिन एक टैलेंट आजकल आपको आप देख रहे होंगे टिकटॉक ऐप, ये भी यहाँ पे भी एक टैलेंटेड लोग आते हैं और परफॉर्म करते हैं। कोई सिंगिंग करता है, कोई एक्टिंग करता है, कोई सैड सॉन्ग से बनाता है। तो ऐसे ही आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी भी उनका भी ताल्लुक टिकटॉक की दुनिया से है। ये मैं उनसे काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं मेरे जहन में कि मैं पूछूंगी। सबसे पहले भाई, टिकटॉक की बीमारी किसने लगाई? आपका कौन सा दोस्त था, फेवरेट टिकटॉकर कौन है, किसको देख के आप इम्प्रेस हुए और टिकटॉक पे आए, और टिकटॉक क्या फ़ायदा क्या नुकसान है? तो पहले तो वेलकम करते हैं अपने शो पे मोहम्मद कासिम को और रजब बलोच को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? आपको भी सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दो मिनट पहले तो बात कर रहे थे, अभी क्या हो गया? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता किया? जी हाँ। नहीं किया तो वैसे भी आ रहा है न्यूज के आसरे में, मैं भी आती हूँ, आप लोग भी इधर ही कर लीजिएगा। ये मतलब बलोच है ना, करके आए। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि टिकटॉक का शौक क्यों है, कैसे हुआ है, किसने दिया है? टिकटॉक का शौक तो नहीं था, फिर वीडियो वगैरह देखते थे। तो किसकी देखते थे? अक्षय किंजर और मंसूर चांडियो। अक्षय किंजर, तो इसका मतलब आप अक्षय किंजर की वीडियोस देखते हैं, तो अक्षय किंजर और हमारी रैली में भी आप आ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल आ रहे हैं, हम तो आते रहते हैं। आते हैं जी जी, आप लोग देखते नहीं हो लेकिन हम आते ही रहते। हम लोग देखते क्यों नहीं है, हमारे पास आंखें नहीं है? नहीं, हम वो छोटे यूजर्स हैं ना। अरे हम लोगों का फोकस हमारे ऊपर नहीं होता। ऐसी बात नहीं, अगर ऐसी बात होती तो आज आप मेरे सामने नहीं बैठे होते। बहुत बहुत थैंक यू। नहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है, और इस दफ़ा फिर देख लेंगे। अभी जी जी दो दिन रह गए, तीन दिन है ना? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे रैली को। ज्वाइन करेंगे। अजरक बहुत प्यारी लग रही है। सबसे पहले अजरक हमारी इज्जत, हमारा एक सिंध की शान, और ये कहते हैं ना, ये हमारी, मैं कहती हूँ अजरक हमारी माँ है। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो बहुत प्यारी लग रही है। जी जी। बस अफसोस ये है कि अब खुद पहनी है, हमारे लिए नहीं लेकर आए, हम तो शिकवा करते हैं। नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ले आते हैं। अच्छा अभी भी ये नहीं बोल रहे कि चलो हम शो के बाद ये दे देंगे, बोल रहे आप बोलते तो हम ले आते। नहीं अजरक तो बहुत है, क्योंकि ये हमारे सिंध का तोहफा है। ऐसा ही है, हम हर किसी को पहनाते हैं, इसमें वो बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही है, अगर अजरक हमारे को तोहफा मिला, हम किसी और को दे तो फायदा नहीं है ना। ये भी हमारे को किसी ने तोहफा दिया। अच्छा बोल लेते तो हम ले आते। अरे क्या बात है, क्या ये मेरे स्टूडियो के साथ जो है ना नीचे अजरकों की दुकान भी है, बहुत प्यारी। तो माशाल्लाह जब भी जाती हूँ तो बड़ा प्यार देते हैं। जी जी ऐसा ही होता है, और हमारे लिए तो हालात से हमारे रिलेटिव हैं जहाँ से अजरक बनते हैं, तो हमारे लिए स्पेशली वहीं से ही मतलब आता है अजरक। बिल्कुल ऐसा ही है, हाला मटियारी रिक्शा, यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। मुझे भी काफ़ी तोहफे आए हैं और अजरक मिलते रहते हैं। स्पेशली मैं भिक्षा वालों का शुक्र गुजार हूँ, मदीना क्राफ्ट जो है, उसके बाद ईसा सूरो साहब का ब्रांड है, उसके बाद जो है एक और हमारा ब्रांड है अजरक, अजरक डिज़ाइन वालों का। ये तीनों ब्रांड जो है जब भी कोई नया डिज़ाइन अजरक पे बनाते हैं तो पहले मुझे भेजते हैं, मैं इसकी प्रमोशन करती हूँ, फिर वो रिलीज़ होता है, फिर वो मार्केट में आता है। तो इसीलिए अजरकों की कमी नहीं है, अजरक में बहुत है। हमारा सिंध का एक अच्छा अच्छी चीज़ है, सकाफती चीज़ है। बल्कि आप लोग, जब मैंने अपने शो वालों को ये बोला कि मैं कुछ ऐसा निकालूं कि मैं अजरक दिया करूं। जी जी ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप आएंगे तो मैं आपको अजरक। थैंक यू मैडम। मुझे ये बताएं आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? जैदू बलोच। जैदू सक्कर? जी जी सक्कर, जी जो सक्कर से बिलोंग करते हैं। सिंधी है? जी वो भी बलोच सिंधी है। अच्छा उनकी पहली वीडियो कौन सी आपने ऐसी देखी जिससे आप इंस्पायर हुए? असल में उनके मतलब हर वीडियो ज्यादातर फनी होते हैं, तो हर वीडियो के पीछे उनका एक मैसेज होता है, तो इसीलिए मैंने मतलब मैं ज़्यादा उनको ही फॉलो करता हूँ, और कुछ वीडियोस भी मैंने उन्हीं की तरह बनाई और कुछ मैंने उनसे सीखा भी है वीडियोस, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर उनको ही लाइक करता हूँ जैदू बलोच को। फैमिली सपोर्ट? जी फैमिली सपोर्ट तो हमें फिलहाल कोई नहीं करता है, क्योंकि हम बलोच हैं। यही मैं पूछने वाली थी, बलोचों में ये तो बहुत, बलोचों में ये चीज़ नहीं होता, लेकिन हम ये है कि एक मतलब ये खुशी है, एक शौक है कि दूसरे भी मतलब वीडियोस दूसरे कास्ट के सिंधी हो गए, पंजाबी हो गए, सब बनाते, तो थोड़ा बहुत कुछ हम भी कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस वजह से हमारे बलोचों में वो है मीर बासित बलोच है, वो कितने अच्छे टिकटॉकर हैं। जी जी जी
और एक दो और है उनके साथ ही होते हैं, उनके कजन है जी जी, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं नहीं, एक जैसे कि नसीर बलोच है, नसीर हाँ। जी जी नसीर, वो काफी वो गरीब हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कद वगैरह भी हमारी हुई है अजैदी बलोच से, मतलब बहुत बेहतरीन इंसान है वो। आप बताएं, दावत पे आए हैं कुरान शरीफ दूं, थोड़ी तलावत विलावत करें आप। हम मंसूर चांडवे के फैन हैं। टिकटॉक मंसूर चांडवे, मंसूर कौन है ये जमी उछल उछल के डायलॉग्स मारता है। मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगी, हमारे अदा है बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, वो जो क्या बोलते हैं कोई डायलॉग उनका याद है आपको? डायलॉग तो बहुत मारते हैं, मारते तो बहुत हैं, लेकिन कोई एक याद होगा ना, फेवरेट जो तो याद करता है इंसान। याद तो फिलहाल नहीं है मंसूर चांडवे के, ये कैमरे के बाद सब याद आएगा, सारे डायलॉग यूं निकलेंगे, ये कैमरे के सामने मजा है ना, याद करो यार, याद करके आया करो ना, असल में वो सबक पढ़ के नहीं आए ना। अच्छा जी जी, और ये आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में सबसे ज्यादा तो सब्जियों में लेडी फिंगर। अच्छा, बलोचों में सबसे ज्यादा मशहूर डिश कौन सी है खाने में? खाने में तो हम ज्यादातर अपना मतलब बिरयानी बना लेते हैं, बलोची बिरयानी भी होती है अपना, वो फिश फ्राई बलोची में जो बनाते हैं वो भी, और ज्यादातर वो सब्जियाँ। आपसे भी क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट? कॉपी पेस्ट हमारा हमारा बच्चा शर्मा रहा है यार। वाज़ा फर्स्ट टाइम है ना, खैर हो गई होता है जी। ऐसे फील करो हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, घर पे तारा लारा के घर पे आए हैं, गपशप कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या 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 शौक से खाते हो? शौक से बिरयानी खाते हैं। नहीं, बिरयानी खाते हैं जी हाँ। जो बैक हो रहा है, पैसे नहीं है, पैसे देती हूँ। अच्छा, तो बिरयानी शौक से खाते हैं जी हाँ। उसके अलावा बलोची में कौन सी बलोची बिरयानी होती है, वो कैसे बनती है, कभी बनाई है, कुकिंग की है? हमने तो कभी कुकिंग नहीं। लड़के भी आजकल करते हैं ना कुकिंग? जी जी, आपने की है? नहीं, वो घर वाले करते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। ओ, टाइम नहीं मिलता है। कौन से बिजनेस चल रहे हैं आपके? बस अपने वो प्रैक्टिस में भी मसरूफ हैं और अपने कामकाज में भी, तो इस वजह से जब घर वाले हैं कुकिंग कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत कुकिंग करने की। और आपने बोस्की भी पहनी है, मैं ये भी देख रही हूँ। जी जी, वो आज बोस्की से याद आया, मैंने एक डायलॉग कहा था, बाबा साई पेंट शर्ट जो है मम्मी डैडी बच्चे पहनते हैं, हम तो साई लोग हैं, हम काटन का वगा पहनते हैं। तो उस पे मुझे किसी ने बीट किया है, मुझे रिप्लाई में दिया है, तारा बहर तुम झूठ बोलती हो, साई लोग तो बोस्की पहनते हैं। तो वो मुझे याद आ गया कि चलो मैंने आज आपका डायलॉग लाइव ले लिए, क्या याद रखोगे, बड़ा प्यारा उसने बच्चे ने किसी ने बोला। अच्छा। तो उस पे जो है वो साउंड आज वायरल चल रहा था, मैंने टिकटॉक पे देखा। आपको कौन सा वायरल साउंड पे कोई वीडियो बनाई आपने? मैं तो ज्यादातर कुछ तो एक्टिंग वाले बनाता हूँ और ज्यादातर लिप सिंग वाले सिंधी के, जैसे कि हमारे मुमताज मौलाई साहब के सॉन्ग। मुमताज मौलाई का कौन सा सॉन्ग? हम उनके बड़े फैन हैं। अच्छा जी जी, उनके साथ भी कभी कभार रहते हैं शो में, कभी कहाँ, तो ज़्यादातर उनके सॉन्ग पे ही बनाते हैं। मुमताज़ मौलाई के साथ मेरी माशाल्लाह 3-4 मुलाकातें हैं, मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं उनके साथ, तो बड़े नाइस बंदे, जी जी, बड़े प्यारे सिंगर हैं। और उनका एक सॉन्ग है ना, कहे बद्ध हो तो के बाहर में जाने, जी जी, ये बड़ा मेरा फेवरेट है। आप लोगों का कौन सा है? फिलहाल तो मेरा पाया बोस की जा जोड़ा, क्योंकि मैं बोस की सूट पहन के आया हूँ। अरे ओके, हो गया। असल में फेवरेट है करीन, तब ही गालियों कर, वफा भी कर, जुल्म भी कर, ये भी। और उमरानी, उमरानी को सुनते हैं? उमरानी तो हमारा आशिक मजबूर है। उमरानी आशिक मजबूर बेचारे, जी जी, उसके तभी तो सारे सॉन्ग ही यही है कि आशिक मजबूर, ये वो आशिक मजबूर, हाय हाय टूटी दिल धक्के जिगरी, और पता नहीं कौन-कौन से सॉन्ग्स हैं इनके, बहुत सारे हैं जी, काफी सॉन्ग्स हैं। उमरानी आशिकन के हिट के राजा, मुझे लगता है आप भी आशिक हैं। आशिक तो इस दुनिया में सिंधी में नहीं बोलते हैं, ओ, अपना वो वाणी ना आए जाए के बाप ना लगो जे, हाँ हाँ, हम जिसके पीछे वो किसी और के पीछे, वो जिसके पीछे वो भी किसी और के पीछे, बिल्कुल यही वाला सीन है। सीन है तो यही है, यही सीन है ना, बस इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं ये फीलिंग दुनिया वफा की नहीं है, इसलिए नहीं लगाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन आजकल तो मुजम्मिल जमाली साहब कहते हैं, मुजम्मिल जमाली और सनी उनड़, के पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, रुलोगे पिलोगे बनोगे नवाब। तो मुझे लगता है आपका ये वाला सीन है।
के रुलोगे पिनोगे बनोगे नवाब, रुल भी रहे हो, टिकटॉक भी मना रहे हो, शो पे भी आ गए हो, अभी आगे अक्सर के शो पे भी चले जाओगे जल्दी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पॉइंट भी है, पोएट्री भी लिखते हैं। पोएट्री भी करते हैं? जी हाँ। कौन सी पोएट्री सुनाओ? कुछ शायरी लिखते हैं, किंग ऑफ मुमताज मौलाई को भी दिए हैं। ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना तुम इतनी हंसी होती कि दिल तुम पे फिदा होता। बस ये वाली तो शायरी नहीं करते? नहीं नहीं ये तो नहीं करते, उर्दू स्पीकिंग तो नहीं करते, सिंधी। चलो सिंधी में ही कुछ सुना दो। सिंधी में फिलहाल तो नहीं आ रहा। कैमरे बंद कराऊं फिर मुझे सुना देना। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? देने चाह रहे थे टिकटॉक शो के जरिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफी अच्छा शो था यहाँ पे। थैंक यू। और यहाँ के होस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जो हमें बहुत बड़ी इज्जत दी है, यहाँ पे बैठाए हम। और ये कि हम और भी मतलब एक मैसेज ये देंगे कि मतलब मेहनत करते रहें और टिकटॉक के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे, अपने मतलब कामयाबी पे। सिर्फ हर चीज़ टिकटॉक नहीं होता, हम कभी कभार अपना पार्ट टाइम ही बनाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता। मैं भी बस ये कि एक शौक है, इस शौक के हिसाब से दिन में एक वीडियोस बनाए, दो वीडियोस बनाए, इसी हिसाब से। बाबा मुख्य भी सपोर्ट कयो तमा ता असा के सपोर्ट क्यों ना असा आईडी में रिपोर्ट लगन ता चार चार आईडी बन किया। मुझे फॉलो करो। फॉलो ता असा के ले। हां हुआ है फॉलो, क्या बात है। मैंने फॉलो दे दूं कि सही है? बस ओके हो गया। तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए आर्टिस्ट के साथ, नए मेहमानों के साथ, आपके अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे शो पर आए, टाइम निकाला, वक्त निकाला। नेक्स्ट टाइम तैयारी से आइएगा खासतौर पर। इंशाल्लाह। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।